सचिन मैथ क्लासेज, जो हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स मैथ चल रहा है उसके ऊपर आज हमारा क्लास 10th लेक्चर है। ये हमारा क्लास 10th, 11th, 12th, BSc, BTech, BA फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए। आज का लेक्चर हमारा रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना, किसका, एक इंडिविजुअल सीरीज का हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने इंडिविजुअल सीरीज का मीन डेविएशन अबाउट मीन सीखा था, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जो सिंगल सीरीज दी होती है, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, जो जिसमें इंटरवल दिया होता है, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, जिसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी होती है, इंटरवल नहीं दिया हुआ होता, इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन रहेगा, और हमारा क्लास 10th, 11th, 12th BSc मैथ फिजिक्स का सिलेबस आपको चाहिए, मतलब सिलेबस मीन्स हमारे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आज के टॉपिक के ऊपर हमारा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन स्टूडेंट्स। क्या है मीडियन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मीडियन का क्वेश्चन एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आता ही आता है, क्योंकि मीडियन में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, किसमें, मीडियन कंटिन्यूस सीरीज में भी देता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी देता है, और इंडिविजुअल सीरीज में भी हमें देता है। क्यों, अभी हमारा सॉल्यूशन देखो, ये हमें सीरीज दी हुई, टोटल टर्म देखो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल टर्म कितनी हमारी, टोटल कितनी टर्म है, 12, 12 इज इवन नंबर। अब हमारी टर्म n की वैल्यू कितनी है हमारी, 12, अगर n इज इवन, n इज इवन, तो इवन के लिए मैंने मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये मैंने आपको इवन के लिए फॉर्मूला बताया था, किसके लिए बताया था, इवन के लिए। तो इधर कितनी है हमारी n की वैल्यू कितनी आई है, 12 है, 12 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 6th ऑब्जर्वेशन प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो ये 7th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अभी हमारा ये मीन का मीडियन का फॉर्मूला है। अब जो हमारी गिवन सीरीज रहती है स्टूडेंट्स, गिवन सीरीज रहती है, उसको हमेशा जब हमारी कोई भी इंडिविजुअल चीज मीन निकालना हो, चाहे मीडियन निकालना हो, मीन में हमें कोई दिक्कत नहीं रहता, बट मीडियन निकालते हमें सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज गिवन गिवन सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हमें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगता है, सबसे पहली वैल्यू हमारी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारी, 10, फिर 10 के बाद 11 हमारा दो बार है, दो बार लिख लिया, फिर 12 है हमारा, फिर 13 दो बार है, फिर हमारा 14 है, फिर 16 दो बार है, फिर हमारा 17 दो बार है, फिर हमारा 18 है, तो 18 हमारा सबसे लास्ट वैल्यू है, तो ये मैंने लिख लिया। तो अब गिन लेना कितनी टर्म हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही थी हमारी, ठीक है, 12 हमने लिख दिया। अब इसमें 6th ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हो गई 6th, और 7th भी हमारी, ये 7th, तो 13 प्लस 14 अपॉन 2, तो 27 अपॉन 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 1 2 2 3 6 2 5 10, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई इधर से हमारी, 13.5, ये हमारी मीडियन की वैल्यू हो गई। हमें तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया हूं, बार बार बता रहा हूं, बड़ा आसान सा है, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन। पिछले में क्या था हमारा, n, पिछले में क्या था हमारा मीन निकाला, तब क्या था m की जगह क्या था, x बार था, जो हमने x मीडियन मीन निकाला था वो था। अभी जो हमारी गिवन सीरीज है, ये वाली सीरीज है, इसमें से हम माइनस करेंगे, x की वैल्यू तो ये सारी है हमारी, मीडियन की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है हमारी, तो ये निकालेंगे हम सबसे पहले, तो 10 में से हम 10 माइनस 13.5, तो हमारा 10 में से 13.5 निकालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मोड है, मॉडुलस है हमारा, मॉडुलस से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो हमारी ऑलवेज क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है, तो इधर हमारा कितना आ जाएगा, -3.5। अगली कितनी, 11, 11 में से 13.5 निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2.5, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे, अगला भी 11 है, 2.5,
अगला कितना है हमारा 12, 12 में से 13.5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.5, फिर 13 करेंगे तो 1.5, फिर 14 करेंगे तो 0.5, फिर 14, फिर हमारा अगला क्या है 16, 16 में से करेंगे तो हमारा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा हमारा इधर से, सॉरी स्टूडेंट्स ये हमने 10 में से किया 3.5, 11 में से किया 2.5, फिर 11 में से 2.5, फिर 12 में से किया 1.5, ठीक है, फिर 13 में से किया हमारा 12 में से किया तो 1.5, 13 में से पॉइंट किया तो हमारा 0.5 बचेगा, फिर 13 में से किया 0.5, फिर हमारा 14 में से किया तो हमारा 2.5, फिर हमारा 16 में से किया, कितने में से किया 16 में से किया तो हमारा 3.5, फिर 16 में से किया 3.5, फिर 17 में से करेंगे तो 4.5, ऐसे हमें सारी वैल्यूज यहाँ से क्या करनी है कलेक्ट कर लेनी है, हमें क्या कर लेनी है हमें यहाँ से सारी वैल्यूज निकाल लेनी है और इनका क्या कर देना है फिर सभी का हमें सम कर देना है, क्या कर देना है इधर से सभी का सम कर देना है, ठीक है, अभी जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं करके दिखा रहा आपको, तो इनका सम करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आएगा 28, एन एन नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास 12, कितनी थी ऑलरेडी 12 थी, तो इनका हम सोल्व करेंगे तो हमारा 2.33, ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं, मैंने एक स्टेप छोड़ा आपके लिए, एक्स की वैल्यू हमारी ये है और मीन की मीडियन की वैल्यू हमारी 13.5 आई है, सभी को सोल्व करके उनका ऐड करके हमने बता दिया, ऐड भी हमारा कितना आएगा 28, एन हमारी 12 है, आंसर मैंने बता दिया है। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, ठीक है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास 10th 11th 12th बीएससी मैथ फिजिक्स की वीडियो और उसका लिंक नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स प्लान हमारा क्वारंटाइल है, क्वारंटाइल है ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, ये अभी क्लास 10th 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे, अब जो क्वारंटाइल है वो कंटिन्यूस सीरीज का ओनली बीएससी बीटेक बीए मैथ के लिए, ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर प्लान रहेगा, 10th 11th 12th का स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया, थैंक यू।